एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा और मैं आप सभी का मेरे चैनल पे वेलकम करती हूँ। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। गाइस, हम सभी को मेकअप करना बहुत ही पसंद है। मेकअप करने से क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो पहले से बेहतर लगती है। जितने भी हमारे डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, जितने भी स्किन प्रॉब्लम, मतलब कि जितने भी स्किन हमारे डैमेज हो चुकी होती है, ब्रेकआउट हो चुकी होती है, हम वो सभी मेकअप से हाइड कर सकती है और हम पहले से खूबसूरत दिखाई देते हैं। लेकिन हर वक्त मेकअप करके हम नहीं रह सकते। मेकअप करने से हमारी जो स्किन है डैमेज होने लगती है, हम हमेशा मेकअप करके नहीं रह सकते। अगर हमारी स्किन नेचुरली खूबसूरत हो, डार्कलेस हो, क्लियर हो, तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर आप इस तरह की स्किन है तो आपको मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। पिंपल्स के जो मार्क्स होते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट और टफ़ होते हैं। वो जितनी डार्क्स रिमूव करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। हम सभी जानते हैं कि पिंपल्स के जो मार्क्स है उसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे अपने स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स के जितने मार्क्स है, उसे रिमूव कर सकती है। अगर आपकी स्किन सन टैनिंग की वजह से डोन टोन तक डार्क हो चुकी है, सन टैनिंग हो चुकी है, तो ये रेमेडी आपके स्किन को फेयर बनाने का भी काम करेगी। अगर आपको डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना। ये आपके डार्क सर्कल को और पिगमेंटेशन को भी दूर करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक आलू लेना है। आलू का छिलका निकाल लेना है। इसके बाद इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद उसका रस हमें निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका जो रस है निकाल सकती है। आलू को रस को लेंगे 2 चम्मच। अगर आप 2 चम्मच यहाँ पे आलू का रस यूज़ कर रही है तो इसमें हम 1 चम्मच रॉ मिल्क ऐड करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे स्किप भी कर सकती है। 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमारी जो रेमेडी है वो तैयार हो जाएगी। इस रेमेडी को आपको कॉटन की हेल्प से अपने चेहरे पे लगानी है। इसे लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर ले। अगर आपके चेहरे पे मेकअप लगा है तो उसे मेकअप रिमूवर से रिमूव करके इस रेमेडी को अपने चेहरे पे कॉटन की हेल्प से लगाएं। आलू एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। ये हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइट करता है। हमारे जो डार्क स्पॉट्स है, जो पिंपल्स के जिद्दी मार्क्स है, उसे रिमूव करने का काम ये करेगा और हमारे चेहरे पर एक नेचुरल निखार लाने का भी काम करेगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्किन को क्लियर, ग्लोइंग और फेयर बनाने में मदद करती है। जो मिल्क हमने इसमें ऐड किया है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और ब्राइट करने में भी मदद करेगी। जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे स्किन को एक नेचुरल, हेल्दी और फ्रेश और क्लियर फ्लॉलेस लुक देने में मदद करेगी। इस रेमेडी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए वो हमारे घर में इसलिए अवेलेबल रहती है, बस हमें इसे यूज़ करनी है। इससे आपकी जो डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, वो सारे धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपकी स्किन क्लियर बनने लगेगी। इस होम रेमेडी को आपको 10 मिनट तक यूं ही लगाए रखना है। 10 मिनट के बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। आप चाहे तो इसे रात भर इसे ऐसे ही छोड़ के सुबह वॉश कर सकती है। इसे सूखने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। ये रेमेडी मेरे स्किन में कैसे वर्क कर रही है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो स्किन है वो फ्रेश हो जाती है धीरे धीरे। इसे यूज़ करें, आपकी स्किन क्लियर होने लगेगी। जो डार्क स्पॉट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ये होम रेमेडी आपके स्किन को क्लियर बनाने में मदद करेगी। जो डार्क स्पॉट है उसे रिमूव करके आपके स्किन को क्लियर बनाने में ये रेमेडी मदद करने वाली है। सन टैनिंग की वजह से जितनी भी स्किन आपकी डैमेज हो चुकी है, डार्क हो चुकी है, तो ये रेमेडी आपके स्किन को एक अच्छा निखार लाएगी और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको आगे मेरे चैनल पे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।